मध्य प्रदेश में मदरसों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए मोहन सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों को उनके धर्म के अलावा कोई और धार्मिक शिक्षा दी गई, तो मदरसे की सरकारी मदद बंद कर दी जाएगी। इसके साथ ही मदरसों की मान्यता भी रद्द कर दी जाएगी। इसको लेकर सरकार की तरफ से आदेश भी जारी कर दिया गया है। दरअसल मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग ने मदरसों के जाँच का आदेश दिया है। जाँच में अगर मदरसों में फर्जी तरीके से गैर मुस्लिम या मुस्लिम बच्चों के नाम पाए जाते हैं या फिर मदरसों में अभिभावकों की अनुमति के बिना धार्मिक शिक्षा दी जा रही होगी, तो मदरसों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग का कहना है कि प्रदेश के मदरसों में शासकीय अनुदान प्राप्त किए जाने के उद्देश्य से अनेक गैर मुस्लिम बच्चों के नाम फर्जी रूप से दर्ज है, इसलिए जल्द से जल्द सत्यापन कराए जाने की जरूरत है। अब आइए आपको बताते हैं कि सरकार ने अपने आदेश में क्या कहा है। स्कूल शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि ऐसे मदरसे जिन्हें मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, उनका भौतिक सत्यापन कराया जाए कि उनमें शासन से अनुदान प्राप्त करने के लिए फर्जी रूप से गैर मुस्लिम अथवा मुस्लिम बच्चों के नाम दर्ज तो नहीं है। यदि ऐसे मदरसों में फर्जी रूप से बच्चों के नाम दर्ज पाए जाते हैं, तो अनुदान बंद करने, मान्यता समाप्त करने एवं उपयुक्त दांडिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। आदेश में संविधान के अनुच्छेद 28(3) का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाली किसी शैक्षणिक संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली किसी धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए या ऐसी संस्था में या उससे संलग्न स्थान में की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए तब तक बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति ने या यदि ऐसे व्यक्ति अवयस्क हैं तो उसके संरक्षक ने इसके लिए अपनी सहमति नहीं दे दी है। संवैधानिक प्रावधान के अनुसार यदि शासन द्वारा मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता प्राप्त मदरसों में अध्ययनरत बच्चों को उनकी यदि वे अवयस्क हैं तो उनके अभिभावकों की स्पष्ट सहमति के बिना उनके धर्म की शिक्षा के लिए विपरीत दीनी तालीम दी जा रही है या किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने अथवा उपासना में उपस्थित होने को बाध्य किया जा रहा है, तो ऐसे मदरसों के सभी शासकीय अनुदान बंद किए जाएं। इसके अलावा उनकी मान्यता समाप्त करने की विधिवत कार्रवाई एवं अनुपयुक्त वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बता दें कि मध्य प्रदेश में बीते दिनों बाल संरक्षण अधिकारी आयोग की जांच में कई खुलासे हुए थे, जिसमें पाया गया था कि मदरसों में हिंदू बच्चे के भी दाखिले हो रहे हैं। ऐसे ही मनमानी करने की वजह से श्योपुर जिले में 50 से अधिक मदरसों की मान्यता भी रद्द कर दी गई थी। अब शिक्षा विभाग ने भी प्रदेश के सभी मदरसों की जांच की बात कही है। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में मदरसों पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है।